आप में से बहुत सारे लोगों के पास खुद की कार नहीं होगी, लेकिन दोस्तों जब हमें अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने जाना होता है तब तो हमें कार की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कार से हमारा सफर काफी अच्छा और आराम के साथ होता है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत से लोगों के पास खुद की कार नहीं होती है, तो उन्हें अगर बाहर घूमने या काम से जाना है तो उन्हें कार रेंट पर लेनी पड़ती है। अब बड़े शहर में तो कैब और भी बहुत सी सर्विस मिल जाती है जो आपको बहुत ही आसानी से ऑनलाइन रेंट पर कार दे देते हैं, पर अगर आप छोटे शहर या गांव से हो तो आपको लोकल किसी कार रेंट पर लेके जाना होता है, क्योंकि वहां ऑनलाइन जैसी कोई सुविधा नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो बात करने वाले कैसे आप कार रेंटल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों आपके पास में कितनी कारें होनी चाहिए, कहां भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस की आपको जरूरत होगी, कितना आपका इसमें इन्वेस्टमेंट होने वाला है, कितना कैसे प्रॉफिट कमा सकते हो, इसकी मार्केटिंग कैसे करनी, क्या ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, ऐसे ही दोस्तों कई सारे सवालों के जवाब दोस्तों आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, कैसे हो आप सब, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। साथ ही दोस्तों इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। पॉइंट नंबर वन, कार रेंटल बिजनेस कैसे शुरू करें। कार रेंटल बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कुछ चीजें करनी होगी, क्योंकि इस बिजनेस में कई तरह के मॉडल है। इसमें पहले मॉडल है कि आप खुद की 3 से 4 कार खरीदें और उसे ओला उबर जैसी दूसरी कार रेंटल बिजनेस कंपनियों को किराए पर दें। दूसरे मॉडल के अंदर आप खुद की कार रेंटल कंपनी खोल सकते हैं, जिसका आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। इसमें आप ड्राइवर और कुछ स्टाफ को रख के लोगों को कार रेंटल की सर्विस दे सकते हैं। वहीं तीसरे मॉडल के अंदर आप अपनी कंपनी के साथ दूसरे कार मालिकों को अटैच करके आप उनसे कमीशन कमा सकते हैं। चौथे मॉडल के अंदर आप अपनी कार को टूरिस्ट प्लेस पर घूमने आने वाले लोगों को किराए पर दे सकते हैं। पांचवे मॉडल के अनुसार आप अपनी कार को किसी व्यक्ति को लंबे समय के लिए किराए पर दे सकते हैं, जिसका आप महीने का चार्ज ले सकते हैं। तो इस तरह कार रेंटल का बिजनेस शुरू करने से पहले आपको ये तय करना होगा कि आपको किस तरह के मॉडल के हिसाब से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। साथ ही ये डिसाइड करें कि आप लंबे समय के लिए कार रेंट पर दोगे या कम समय के लिए रेंट पर देकर इस बिजनेस को शुरू करते हो। पॉइंट नंबर टू, कार रेंटल बिजनेस के लिए सही जगह चुने। इस बिजनेस के लिए आपको एक ऑफिस की जरूरत होगी, जहां से आप ग्राहकों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस बनाते समय उस पते का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, क्योंकि अगर ऑफिस होगा तो ग्राहक ऑफलाइन भी उस जगह पर आकर कार किराए पर ले सकते हैं, इसलिए एक ऑफिस भी होना जरूरी है। अब ये ऑफिस कहाँ होना चाहिए, तो ऑफिस आपका उस मेन मार्केट में होना चाहिए जहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता हो, जिससे लोगों को आते जाते आपके बिजनेस के बारे में भी पता चल सके, जहाँ ग्राहक भी आसानी से आपके पास आ सकते हैं। या आप अपने ऑफिस को टूरिस्ट एरिया में भी खोल सकते हो, क्योंकि टूरिस्ट एरिया वाले में भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, वहाँ सवारियों मिलने के चांस भी ज्यादा रहते हैं, वहाँ प्रतिदिन लोगों का आना जाना लगा रहता है, वो विदेशी पर्यटक भी काफी रहते हैं जो ज्यादा किराया देकर टैक्सी बुक करवा लेते हैं। तो आपको ऐसी जगह अपना ऑफिस खोलना है जिसमें स्पेस की बात की है तो 30 स्क्वायर फीट से लेकर 50 स्क्वायर फीट स्पेस पे होना चाहिए, जो आपकी स्टॉक के लिए काफी है। पॉइंट नंबर 3, जब आप दोस्तों जगह देख लेते हो तो उसके बाद आपको जरूरत होगी कार की, जो आपको खरीदनी होगी। आप कार रेंटल बिजनेस शुरू कर रहे हो तो इसमें आपके पास में 3 से 4 कार तो होना जरूरी है। हालांकि आगे आप और भी कारें ले सकते हो, लेकिन कम निवेश के साथ बिजनेस में शुरू में इतनी कारें काफी हैं। आप चाहें तो नई कार खरीद सकते हो, नहीं तो आप सेकेंड हैंड कार भी खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट सेकेंड हैंड कार खरीदने का भी नहीं है, तो आप ऐसे व्यक्ति से बात करके रख सकते हो जिनके पास कमर्शियल नंबर की कारें हो, उनसे आप कार लेकर कमीशन कमा सकते हो। पॉइंट नंबर 4, कार रेंटल बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन और जरूरी लाइसेंस। तो देखिए दोस्तों, कार रेंटल बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको इसको कानूनी रूप से मान्य करवाना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपको अपने बिजनेस को नगर निगम नगर पालिका के बने एरिया के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, साथ ही टैक्स रजिस्ट्रेशन भी आपको करवाना होगा। हालांकि रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस बिजनेस मॉडल के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वाहन से जुड़े कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, RC पेपर, PUC पेपर, इंश्योरेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, तो ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास में होने चाहिए। पॉइंट नंबर 5, कार रेंटल बिजनेस के लिए मार्केटिंग और प्रमोशन। तो देखिए दोस्तों, कार रेंटल एजेंसी के लिए आपकी खुद की एक वेबसाइट और चैनल मैनेजमेंट के जरिए आप विज्ञापन कर सकते हो, जो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग आपके द्वार पर आकर आपसे रेंटल सर्विस के बारे में नहीं पूछेंगे, वो सभी जरूरी डिटेल्स के लिए ऑनलाइन ही चेक करेंगे। इसलिए अगर आप ग्राहकों की संख्या को बढ़ाना चाहते हो तो आपको उन्हें अपने बारे में बताना होगा, इसलिए प्रॉपर प्रमोशन जरूरी है। इसके लिए आप सभी तरीकों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं,
और एरिया भर में कोई जरूरी जगह पर बैनर लगवा सकते हो। साथ ही ज्यादा कस्टमर के लिए आप औरों से कम प्राइस पर रेंट पर गाड़ी देकर भी ज्यादा कस्टमर अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर सकते हो। पॉइंट नंबर 6, कार किराए पर देने के लिए आपको कुछ रूल और रेगुलेशन बनाने होंगे। कार रेंटल सर्विस में आप कार को बिना ड्राइवर के भी लोगों को कार किराए पर दे सकते हैं। साथ ही आप कुछ ऐसे लोगों को जो कार चलाने में अच्छे अनुभवी हो उनसे पहचान पत्र और कुछ डॉक्यूमेंट जमा करके उन्हें ड्राइवर के रूप में भी रख सकते हैं और लोगों को ड्राइवर के साथ कार किराए पर देने का सर्विस भी दे सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को बिना ड्राइवर के कार किराए पर दे रहे हैं तो आपको कुछ नियमों को बनाना पड़ेगा, जैसे कि ग्राहक को कितना पैसा जमा करना पड़ेगा, उन्हें कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे, साथ ही अगर कार में किसी तरह का डैमेज हो जाता है तो नुकसान की भरपाई कैसे करनी होगी, ऐसी कई चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। पॉइंट नंबर 7, कार रेंटल बिजनेस को शुरू करने के लिए आपका होने वाला इन्वेस्टमेंट और इससे होने वाला मुनाफा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप कार रेंटल बिजनेस शुरू करें तो आपके पास में 3 से 4 कार होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नया कार लेते हो तो आपको कम से कम 20 से 25 लाख रुपए खर्च करने होंगे। लेकिन अगर आप सेकेंड हैंड कार का इस्तेमाल करते हो तो आपको 14 से 17 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप किसी कार मालिक को अपनी कंपनी से जोड़कर उससे कमीशन कमाना चाहते हो तो इससे बहुत ही कम निवेश के साथ आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से कार खरीदने से लेकर उसके लाइसेंस और कंपनी के रजिस्ट्रेशन तक के खर्चे का कुल निवेश आपका 18 से 20 लाख रुपए तक आ सकता है। वहीं इससे मुनाफा कितना होगा, तो जहां तक प्रॉफिट की बात है तो आपका किराया प्रति किलोमीटर की दर से मिलता है। जितनी दूर तक गाड़ी चलती है उसी हिसाब से किराया लिया जाता है और एक सामान्य दर आपका 9 रुपए से लेकर 12 रुपए तक प्रति किलोमीटर तक होता है। वहीं लग्जरी गाड़ियों की दर और भी ज्यादा है। इस तरह से अगर आपकी एक कार प्रतिदिन 300 किलोमीटर तक भी चल जाती है तो सभी खर्चा घटाने के बाद भी आप 1,000 रुपए आसानी से एक कार से बच जाएंगे और 2 कारों से आप महीने के 50 से 60 हजार रुपए कमा सकते हैं। जितनी ज्यादा कार आपके पास होगी उतना ही ज्यादा आप इसके अंदर प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो ओके फ्रेंड्स, ये थी वीडियो कैसे आप कार रेंटल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी रहेगा। जय हिंद।